पिशाचों की भूमि में दो सह अस्तित्व वाले कुल थे। लाल पिशाचों के गहरे बाल और लाल आंखें थी, जैसे कि कीट दंतियों में वर्णित है, जबकि नीले पिशाचों में आकाश की तरह हल्के बाल और गहरी नीली आंखें थी। नीले वैम्पायर कबीले ने ट्री ऑफ लाइफ के सैप को खिलाकर पनप लिया, जिसने उनके स्वभाव को उनके प्रमुख रंग के रूप में कोमल बना दिया। यद्यपि उनके पास लाल कबीले के लड़ाकू कौशल का अभाव था, वे जीवन के पेड़ द्वारा संरक्षित थे। जब तक कि वे अपने क्षेत्र के भीतर रहे, तब तक कोई भी बल नीले कबीले पर हमला नहीं कर सकता था। एक दिन नीले कबीले की राजकुमारी सियान ने घायल पक्षी का पीछा करते हुए दोनों कुलों के बीच की सीमा पार कर ली। ये वो जगह थी जहाँ जीवन के पेड़ की सुरक्षात्मक सीमा मौजूद नहीं थी। वहाँ वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको वापस ले आऊंगी और आपके घावों को ठीक कर दूंगी। अचानक दानव कौवे का एक झुंड दिखाई दिया, वो तूफान की तरह उतर रहा था और सियान बेहोशी के बिंदु पर घायल हो गई। सौभाग्य से जब वो जागी तो उसने खुद को स्काई की बाहों में पाया, जो नीले कबीले का एक योद्धा और उसके बचपन का प्यार था, जिसने चुपचाप सियान की देखभाल की थी क्योंकि वे युवा थे। सियान को बचाने के अपने प्रयासों में स्काई ने अपने कंधों पर दर्दनाक घावों को नकार दिया। मैं ठीक हूँ, जब तक मैं आपकी तरफ से हूँ मैं और भी अधिक चोटों को सहन कर सकता हूँ। अपने स्नेह और साहस से आगे बढ़ते हुए सियान स्काई के प्यार को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। स्काई का परिवार दयालु था और कबीले में एक उच्च स्थान रखता था, इसलिए उनकी शादी जल्दी हुई, लोगों के हर्षित उत्सव के साथ। खुशी से भरे माहौल के बीच लाल पिशाच कबीले ने सीमा तोड़ दी। हर्षित दिन की तैयारी में व्यस्त होने के कारण नीले कबीले के प्रमुख सियान के पिता ने जीवन के पेड़ को अंतरिक्ष ताकत प्रदान करने के लिए उपेक्षित किया, जिससे सीमा कमजोर हो गई। लाल कबीले की तुलना में कमजोर होने के नाते नीला कबीला जल्द ही हार गया और उनकी शादी का उत्सव अराजकता में बदल गया। रोहन ने सियान को जब्त कर लिया और उसे अपने महल ले आया, जिसमें उसके जल्द ही होने वाले पति से एक असहायक टकटकी लगा। रोहन ने राजकुमारी सियान के लिए अपनी दुल्हन बनने की इच्छा व्यक्त की। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो बस चाहता था कि वो आज्ञाकारी रूप से उसके साथ रहे। निरर्थक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज्ञाकारी रूप से तुम्हारी बात सुनूंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता तुम लोग मेरी बात सुनोगे। ध्यान से उसकी रक्षा करना, जब तक अपने जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता तब तक उसे रोने दो और जो चाहे उसे करो। सियान को सबसे अच्छा उपचार दिया गया। दो कुलों के जीवित आदतों को जानने के बाद रोहन ने हमेशा पौधों से बने भोजन और पेय सिया को प्रदान किए, यहाँ तक कि उन्होंने सियान के लिए सूरज की रोशनी से भरा एक बगीचा बनाया, जिसमें कई खूबसूरत फूल और घास थे जो नीले पिशाच कबीले की तरह ही थे। राजकुमारी देखो, सच में लॉर्ड रेवन आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो आपके लिए ये सब प्रदान करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेरे लिए? लेकिन मैं अभी भी सीमित हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कुछ कितना सुंदर क्यों ना हो, ये सिर्फ एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पिंजरा है जो स्वतंत्रता का दम घोटता है। कई दिनों तक सियान शायद ही खाई या सोई होगी और उसका शरीर तेजी से कमजोर हो गया और उसे हटा दिया गया। रोहन व्यक्तिगत रूप से गुस्से में दिखाई दिया, उसे खाने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पाई हैं, है ना? आपके पास मेरा शरीर हो सकता है लेकिन मेरा मन कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका परिणाम आपके मंगेतर को भुगतना पड़ेगा। खतरा प्रभावित था और सियान आंसू भरी आंखों के साथ अनिच्छा से उसके जीवन के पहले कुछ कठिन काटने को निगल रही थी। एक दिन तक स्थिति इस तरह से जारी रही, जबकि धूप में लहराते हुए सियान को स्काई का एक पत्र मिला,
वाहक पक्षी ने स्काई की ऊर्जा के एक हिस्से को व्यक्त किया जिससे उसके जीवन को उस तक पहुंचने के लिए जोखिम में डाल दिया। सियान, सभी लाल पिशाच एक दिन अपना जादू खो देंगे एक महत्वपूर्ण रक्त आपूर्ति के बिना। यहाँ तक कि मुख्य रोवन भी स्वयं एक त्यागित वस्तु बन जाएगा। मौके का फायदा उठाएं। क्रोध से अभिभूत सियान ने अपने मंगेतर के शब्दों को सुना और लाल कबीले के प्रमुख को स्वीकार करने का नाटक करने लगा। वो अब एक शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए नहीं रख और कभी कभी मुस्कुरा उठती है और भी अधिक हसमुख हो जाती है। उसने अपने शब्दों का जवाब भी दिया। रोवन परमानंद था और वो भी उसके प्रति सज्जन बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना व्यस्त या थका हुआ था, वो हमेशा अपने भोजन को साझा करने के लिए उसके पास रहता था। पहली नजर में वे वास्तव में सामंजस्यपूर्ण युगल दिखाई दिए। अपने खाली समय के दौरान सियान औषधि बनाने के अपने पिछले ज्ञान को याद करने लगी। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी इसे देख सकती हूँ। आप जानते हैं, मैं पूरे कबीले के लिए हीलर की स्थिति को धारण करती थी। चिकित्सा में उसकी रुचि को जानने के बाद रोवन ने उसे कई मूल्यवान किताबें दिलाई। सियान विशेष रूप से डार्क मैजिक को दूर करने के लिए प्राचीन उपाय का अध्ययन करने के लिए समर्पित थी, जिसे वो पूरे दिन को तैयार करने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन यहाँ की जड़ी बूटियाँ दुर्लभ है और इनमें से एक है जो केवल लाल और नीले रंग के कबीले की सीमा के पास विश्वासघाती पहाड़ी चट्टानों पर बढ़ती है। सियान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था जब एक रात रोवन फूलों की एक कीमती शाखा के साथ उसके सामने भाग आया। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वो उसके शरीर पर लगे घाव और उसका थका हुआ चेहरा था। बिल्कुल नहीं, उठो, आप उसे इस तरह से क्यों मार रहे हैं? सियान ने पाया कि जिस रात रोवन ने अपनी पूरी शक्ति खो दी थी वो एक पूर्णिमा का चांद था। स्काई बहुत खुश हुआ। सियान को उस रात रोवन को जीवन के पेड़ को लुभाने का रास्ता खोजने का निर्देश दिया। अवसर आ गया। हमारा कबीला उसे जीवन के पेड़ पर सील करने के लिए एक चोट के साथ शुरुआत करेगा। हालांकि उस समय वो हिचकिचाई। अपने समय के दौरान रोवन ने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अंत में सियान ने भागने को चुना। जब रोवन उसे फंसाने की बजाय अपने सबसे कमजोर स्थिति पर था, पूर्णिमा की रात न केवल रोवन बल्कि उनका पूरा कबीला भी कमजोर हो गया और उनकी सतर्कता अब हमेशा की तरह अधिक नहीं थी। रोवन, किसी भी हाल में मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे बिना भी। सियान अपने कबीले के सदस्यों से मिलने की उम्मीद करते हुए जीवन के पेड़ की ओर भागा। उसके आश्चर्य के लिए जब वो अकेले पहुँची तो स्काई हर्षित नहीं था लेकिन उग्र था, ये सोचकर कि उसने अपनी योजना को बर्बाद कर दिया है। क्या, क्यों? सियान को ले जाने के बाद नीले कबीले के प्रमुख उसके पिता दुख से पीड़ित थे और उन्होंने उनकी सारी शक्ति अपने दामाद को सौंपी, ये मानते हुए कि वो राजकुमारी को वापस लाएगा। अब मैं नया प्रमुख हूँ, क्या मुझे आपको इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा साहसी और बेकार हैं। सियान ये नहीं मान सकता था कि जिस व्यक्ति को वो एक बार प्यार करती थी और भरोसा करती थी वो अब रोवन को धमकी देने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। अगर वो अनुपालन नहीं करती तो स्काई खुद रोवन का नेतृत्व करता। उन्होंने रोवन के रूप में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, कमजोर हो गया और अपनी कुछ शक्तियों की कमी के साथ सियान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। वो जानता था कि इस दिन कबीले को छोड़ना बेहद खतरनाक होगा लेकिन वो हर जगह खोज करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उस व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। स्काई ने अवसर का फायदा उठाते हुए रोवन पर एक जादुई हमला शुरू करने के लिए नीले कबीले की सेना की कमान संभाली। हालांकि पहले से ही कमजोर हो गया, रोवन ने नीले कबीले को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाते हुए जमकर वापस लड़ाई की। नीले और लाल जादू के संयोजन ने जीवन के पेड़ को हिला दिया।
एक धुंधला और प्रदूषित धुआं दिखाई दिया जिसने इसमें नीले कबीले की काफी संख्या को आकर्षित किया। ये बर्बाद हो गया, बहुत लंबे समय तक यहाँ घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेरी पहचान जाहिर हो गई है। अप्रत्याशित रूप से स्काई ने अपने कार्यों को पुनर्निर्देशित किया और सियान को जीवन के पेड़ की ओर धकेल दिया। नहीं सियान, भाग्य ने स्काई को लंबे समय तक अपनी जीत का आनंद नहीं लेने दिया। उठता हुआ धुआं सघन और अधिक तीव्र हो गया, उसे हमेशा के लिए दूर खींचता हुआ। इस समय जीवन के पेड़ के भीतर के दायरे में सियान ने एक वास्तविक भ्रम का अनुभव किया और ये ज्वलंत सपने। स्काई ने गुप्त रूप से जीवन के पेड़ पर गहरे जादू का इस्तेमाल किया जो एक तबाही को उजागर करता है और जो पूरे नीले कबीले और लाल कबीले को मिटा देता है। दोनों पक्षों ने स्काई के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। सियान अपने कमजोर शरीर के साथ बहादुरी से युद्ध के मैदान में भागा जिससे हर जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। वो अपने कबीले और रोवन को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार था जो लाल कबीले के प्रमुख कीव दंतियों का खून है। अंत में रोवन ने नष्ट कर दिया लेकिन वो तबाही से पहले वापस लाया गया था। ये नहीं हो सकता, इस बार मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे अपने लिए खुद का बलिदान करने नहीं दूंगा। सियान का सच्चा उद्धार करता रोवन था न कि स्काई जैसे कि सभी ने माना था। हालांकि दानव कौवे द्वारा गंभीर चोटों के कारण रोवन को लाल कबीले में वापस लाया गया और स्काई के साथ ये घटना सामने आई। सियान को पूरी कहानी पता चली और वो रोने लगी। उठो रोवन, मैं अब आपके सच्चे इरादों को समझती हूँ। मेरे पास भी आपके लिए भावनाएं हैं, कृपया मुझे जवाब दो। प्रिय पेड़ की आत्मा, मैंने हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश की है। मैंने पहले कभी कुछ नहीं मांगा। इस बार मैं आपसे मुझे जीवन को वापस लेने के लिए विनती करती हूँ ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया सियान का शरीर धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया। एक मुर्गा मुकुट की आवाज ने उसे जगाया और उसके सिर पर ढकते हुए दर्द ने सियान को चेतना में वापस ला दिया। राजकुमारी, ये समारोह के लिए समय है, आज आपकी शादी का दिन है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। मैं, क्या मुझे वास्तव में जीवन में वापस लाया गया है? सभी के विस्मय को नजरअंदाज करते हुए सियान बाहर भाग गई। विभाजित कुलों के बीच की सीमा पार करते हुए वहाँ रोवन खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। सदन कैसल की राजकुमारी ऑरोरा आखिरकार जाग गई। हाँ? 9 बार घंटियां बजी और 100 सालों के बाद वो हजारों खुशबूदार फूलों और कलरफुल बटरफ्लाइज में बदल गई। लेकिन खूबसूरत राजकुमारी अब यहाँ नहीं थी, उसकी जगह बदसूरत और बेहद डरावनी ज़ॉम्बी थी। हाँ? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? मैं क्या बन गई? अरोरा, तुम शांत हो जाओ। राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ। कुछ गलत हो गया है, तुम्हारे सच्चे प्यार राजकुमार फिलिप ने तुम्हें जगा दिया है। अरोरा के साथ ऐसा होने के बाद राजा और रानी चले गए क्योंकि वो बहुत दुखी और लाचार थे। 200 सालों से किंगडम में कोई भी राजकुमार या राजकुमारी नहीं आए थे। इस बीच इस किंगडम में शाही उनको खुशकिस्मत माना जाता था जो किंगडम को आबाद करता था और रोग और दुख से मुक्त करता था। पूरा देश राजकुमारी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उस राजकुमार के साथ शादी का भी जिसने उन्हें बचाया था। एक नदी है, उसके बारे में लोगों का मानना है कि जब लोग उसमें नहाते हैं तो वो एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। वैसे उसको ढूंढना तो मुश्किल है पर जब तक उम्मीद है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। फेरी गॉड मदर ने अपने जादू का इस्तेमाल अरोरा की लुक थोड़े समय के लिए बदल दी, फिर फटाफट चली गई। राजकुमार फिलिप अरोरा की सुंदरता देखते ही रह गया और उसको प्रपोज करने लग गया। मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ?
राजकुमारी, आपने राजकुमार को हाँ क्यों नहीं कहा? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा जाता है हर बार। आप जानती हैं, लोग लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार भी आपका साथ देंगे। हाँ? राजकुमारी, आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। लोगों के दबाव के कारण अरोरा आखिर फिलिप से शादी करने के लिए तैयार हो गई। सारा देश शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, सिवाय उस राजकुमारी के जो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जादू का असर खत्म हो रहा था और उसका शरीर बदलने लगा। वो डर गई और सबसे दूर छिप गई। उस रात राजकुमारी अपने कमरे में पूरी तरह से रो रही थी, तभी उसने दरवाजे पर खड़खड़ाहट सुनी। बालकनी में बहुत खूबसूरत रंगों के फूल रखे हुए थे। अजीब बात ये थी कि जैसे ही उसने उसकी खुशबू सूंघी, राजकुमारी फिर से पहले जैसी हो गई और वो फूल उसी समय मुरझा गए। हे भगवान, मैं पहले जैसी हो गई। बदकिस्मती से फेरी पाउडर की तरह फूलों का इफेक्ट भी कुछ ही दिनों तक रहा। उस दिन से हर दो दिन बाद फूल उसी तरीके से वहां पड़े होते थे। अरोरा उत्सुकता से देखती है, वो क्रो है जिसने उसे मरने से बचाया था। तुम हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके हम शक्ल हो, है ना? 200 साल हो गए तब से क्रो सोल में बन गया और राजकुमारी के साथ हर सीक्रेट शेयर करता था। अगर तुम बात कर सकते तो मुझे पता चल जाता कि ये फूल कहाँ से आए हैं। एक दिन जब अरोरा एकदम से बदलने लगी तो राजकुमार थोड़े भी वहाँ होते हैं। वो डर गए और जल्दी से उसे बंद कर दिया। ये मुझे धोखा देने की सजा है मेरी मंगेतर। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब मैं नींद से जागी तो मैं ऐसी ही थी। अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी हो तो मैं इसको एक राज ही रखूंगा। क्यों? तुम क्या साजिश कर रहे हो? तुम्हें शक करने का हक नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, और अगर तुम नहीं मानती तो मैं पूरे किंगडम को बता दूंगा कि उनकी सुंदर राजकुमारी के साथ क्या हुआ था। फिलिप की धमकी को मानने के अलावा अरोरा के पास कोई चारा नहीं था। शादी के बाद अरोरा को फिलिप से बात थी कि वो उसे एक ज़ॉम्बी के रूप में देखेगा। उसे मॉन्स्टर कह रहे थे, उस पर चीजें फेंक रहे थे, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय काले पंखों वाला एक मॉन्स्टरस इंसान आया जिसने राजकुमारी को पकड़ लिया। आधा इंसान आधा क्रो, हाउल है, वो मेलिफिसेंट का बेटा है। सही कहा, मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए वापस आया हूँ। तुम्हारी राजकुमारी मेरे वश में है। ओह हाय राजकुमार, अगर तुम सच में राजकुमारी को सच्चा प्यार करते हो तो उसे वापस लेने के लिए जरूर आना, नहीं तो मैं इस किंगडम को श्राप देता हूँ कि जैसे ही तुम यहाँ राज करोगे ये सब तबाह हो जाएगा। राजकुमार देश पर राज करने की ताकत पाने और हाउल और अरोरा को तबाह करने के लिए पीछे दौड़ा। फिलिप के तीर के सामने हाउल ने अरोरा को बचाने के लिए अपने पंख फैलाए और घायल हो गया। आखिरकार वो थक गया।
और राजकुमारी को गले लगाकर वह चट्टान पर गिर गया। एबीस के नीचे कहीं नदी जो चमकीले रेनबो फूलों से घिरी हुई थी। आखिरकार तुम आ गई हाउल की राजकुमारी, अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी दिखाती हूँ। हाउल डार्क फेरी मेलेफिसेंट का एक लौता बेटा है। ना सिर्फ वो सुंदर है, वो बहुत बहादुर भी है और उसने नीचे उड़ने वाले बैड ज़ॉम्बीज को भी कैद कर लिया था। इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद हाउल बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि राजकुमारी अरोरा उसकी देखभाल कर रही थी। ये हाउल के जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। जब मेलेफिसेंट को इसके बारे में पता चला, उसने हाउल को वापस आने के लिए कहा और कि वो राजकुमारी को लाने में उसकी मदद करेगी। उस समय हाउल जो उसे चाहिए होता था उसे पाकर रहता था, इसलिए उसने राजकुमारी अरोरा को गहरे जंगल में ले जाने का एक तरीका ढूंढा। शायद मेलेफिसेंट को राजा और रानी से कुछ नाराजगी थी, लेकिन उसे किंगडम में आने से मना किया गया था, इसलिए वो बदला नहीं ले सकती थी। हाँ, आखिरकार वो दिन आ गया। राजकुमारी अरोरा खुद को फिर से मेरे पास ले आई। मुझे 100 साल से अफसोस है कि मैं तुम्हें एक बार में खत्म नहीं कर पाई। तो मैं तुम्हें 200 साल तक सोने का श्राप देती हूँ और जब तुम जागोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। फेरी गॉड मदर और शाही आर्मी ये सब होने के बाद आए। उसने सिर्फ मेलेफिसेंट को सील करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया और अरोरा के श्राप को कम किया कि अरोरा सोएगी जरूर पर जागेगी तब जब उसका सच्चा प्यार उसे जगाएगा। राजकुमारी के चारों ओर पुरानी और मोटी वाइन्स उगाई और फिर पूरे महल में फैल गई ताकि कोई भी उसके साथ ना रह सके। हाल को पछतावा हुआ कि उसने अपने प्यार को ऐसी परेशानी में डाल दिया। उसने अंदर जाने की कोशिश की, राजकुमारी के साथ में रहा और उसे शांति से सोते हुए देखा। समय तेजी से बीतता गया। और हाउल की राजकुमारी को जगाने की सारी कोशिशें बेकार गई। 100 साल हो गए हैं और अगर तुम नहीं जागी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसका जीवन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे ज़ॉम्बी में बदल दिया जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा करना सही रहेगा? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें वापस पहले जैसा बनाने का तरीका ढूंढ लूंगा। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी में बदलने के बाद भी अरोरा को होश नहीं आया। हाउल ने समझौता कर लिया। उसने राजकुमारी को जगाने और खुशी से रहने के लिए उसके लिए दूसरा लवर ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि राजकुमार को भी वहाँ पहुंचकर अंदर जाना मुश्किल लगा और वो दिन आ ही गया जब फिलिप आया। और राजकुमारी जाग गई। वो इंसान आ गया। मैं तुम्हारी दूर से ही सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी खुशियों की कामना करूंगा। वो नहीं जानता था कि उसका प्यार है जिसने अरोरा को जगा दिया। राजकुमारी खुश रहेगी। लेकिन तभी हाउल ने रोने की आवाज सुनी, ये जानकर कि राजकुमारी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगी है। उसने एंटीडोट ढूंढने के लिए एबिस में जाकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। हाउल ने मेरे फूल के लिए 100 साल की कल्टीवेशन को कुर्बान कर दिया।
उसके पास सिर्फ 1000 साल की कल्टीवेशन थी। जो फूल वो राजकुमारी के लिए लाया था उनमें से कई पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे और हाउल कमजोर हो गया था। बात करना बंद करें, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। प्लीज इसे एक पूरा इंसान बना दो, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो तुम्हारे पास बदले में क्या है? ये सुंदर क्रो विंग्स? या तुम्हें क्या लगता है? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। चमत्कार हुआ, हाउल सुंदर राजकुमारी को किनारे पर ले आया, पर पंख अब मौजूद नहीं। नदी की देवी, प्लीज पंख और जादुई शक्ति हाउल को लौटा दो, मैं अपना पूरा जीवन ज़ॉम्बी बनकर रहूंगी। सुनो अरोरा, तुम्हारे किंगडम को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम अभी नहीं लौटी तो ये बिना रूलर के चलेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लोग फिलिप जैसे दुष्ट के हाथों में चले जाएं? मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हें मैंने श्राप दिया था, और अब जब तुम वापस इंसान बन गई हो तो वो तुम्हें खुशी से स्वीकार कर लेंगे। अचानक से आवाज आई, ये संकेत देते हुए कि एबिस की रखवाली करने वाले ज़ॉम्बी बर्ड जागने वाले हैं। हम यहाँ से भाग जाएंगे और वैली छोड़ देंगे। हालांकि चट्टान के किनारे से कुछ ही कदम दूर अरोरा अपनी लापरवाही के कारण फिसल गई। भले ही ज़ॉम्बी वहाँ आ गए, हाउल अभी भी अपने प्यार की रक्षा करने के लिए थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। एक पूरे ज़ॉम्बी में बदलने से पहले हाउल ने राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी के उदास चेहरे पर आंसू आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुमसे प्यार करते हो? ऊपर आ जाओ हाउल, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अरोरा, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गई। अरोरा फिलिप का असली चेहरा सबके सामने लाती है और बताती है कि हाउल ने उसकी जान बचाई है। वो सिंहासन पर एक शक्तिशाली रानी और लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना, लेकिन सिर्फ राजकुमारी ही जानती थी कि उसका दिल अभी भी कितना दुखता है। इसके तुरंत बाद फेरी गॉड मदर अपने साथ वही रेनबो फूल लेकर लौटी जो हाउल लाया था। हवा के झोंके इस फूल को उसके पास भेज दो, जब कल काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगी। अचानक से चमकीले रंग की तितलियों का झुंड एबी से निकला और हाउल इंसान बनकर वापस आया। अरोरा, अंत में विलन के बेटे काले क्रो को भी अपना प्यार मिल गया। एक बार की बात है, पुराने जंगल के अंदर एक तरह का प्यारा एल्फ रहता था। हालांकि उस दिखावट के विपरीत वे वास्तव में चालाक और खतरनाक थे। वे दोनों कल्पित होने थे जिन्होंने हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों के जीवन की भावना को चूसने की हर तरह से कोशिश की। उनकी तीव्र वृद्धि के कारण उन्होंने हर जगह गड़बड़ कर दी। मानव ने काले कल्पित होने का अध्ययन करने का निश्चय किया और उन्हें खत्म करने का अभ्यास किया। पहले तो शिकारी काले कल्पित होने को पकड़ते ही खत्म कर देते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि डार्क एल्फ्स में एक दिलचस्प वृत्ति थी। फिर उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्हें अजीबोगरीब शौक रखने वाले अमीर लोगों को बेच दिया। हालांकि शिकारी उस काम से बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन ये वास्तव में बहुत खतरनाक था। कई शिकारियों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। केवल आर्चीबॉल्ड अभी भी इसे कर रहा था, क्योंकि वो अंधेरे कल्पित बोलने के प्रति द्वेष रखता था, क्योंकि उन्होंने उसके पिता की जान ली थी। आप जाग गए? मैंने देखा कि तुम घायल होकर जंगल के बीच में पड़ी हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। सच में तो मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम वहाँ अकेले क्या कर रही थी?
मैं पहाड़ के दूसरी तरफ वाले गांव में रहती हूँ। सूखे की वजह से मुझे और कुछ अन्य लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा। दुर्भाग्य से पुराने जंगल को पार करते समय हम पर अंधेरे जल पे दोनों ने हमला किया था और मैंने वहाँ सबको खो दिया। ये क्या था? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो बस कुछ दिन यहाँ रहे, घाव ठीक होने का इंतजार करें, फिर आप जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वास्तव में आपकी आभारी हूँ। उस समय बहिरा ने घर के चारों ओर देखा और बहुत सारे काले कल्पित बौने देखे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, तो वो थोड़ी सी डर गई। चिंता मत करो, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नहीं देखते कि वे कितने गरीब हैं? दरअसल ये बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। ये सब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों पर हमला करते हैं। मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ, उन्हें खत्म करने के बजाय। ये एक अच्छा काम है। लगता है तुम सच में डार्क योगिनी से बहुत नफरत करते हो। क्योंकि वे मेरे परिवार के लोगों को ले गए। तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। बात करने के बाद बहिरा को पता चला कि यहाँ अकेला व्यक्ति रहता था, क्योंकि हर कोई वास्तव में काले कल्पित बौनों से डरता था। इस प्रकार बहिरा तुरंत आर्ची बॉल्ड को चुकाने के लिए, मदद करने के लिए कुछ करना चाहती थी। वापस आने पर आर्ची बॉल्ड ने देखा कि घर में रोशनी हो रही है, स्वादिष्ट खाने की महक हर तरफ फैली हुई है और अचानक उसे अच्छा लगने लगा। समय शांति से बीतता गया, वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जब उनका प्यार परवान पर था तो आर्चिबाल्ड ने उसे प्रपोज करने की योजना बनाई। हालांकि उसने अचानक देखा कि बहिरा जार के पास चुपके से कुछ कर रही थी जिसने अंधेरे कल्पित बौने को पकड़ रखा था। लेकिन उसने फिर भी नाटक किया कि उसे कुछ दिखा ही नहीं। ये संदेह करते हुए कि बहिरा ने उससे कुछ छिपाया है, उसने इसका पता लगाने के तरीके के बारे में सोचा। अगले दिन वो रोज की तरह घर से निकला, लेकिन आधे रास्ते में ही वापस आ गया। तब आर्की बॉल ने बहिरा को पकड़ लिया जब वो एक काले बौने से बात कर रही थी। लगता है कि आप ही है जिन्होंने उन्हें रिहा किया, आप ऐसा क्यों कर रही है? कृपया मुझे समझाने दो। अचानक उस अंधेरी आत्मा ने आर्ची बॉल्ड को देखते ही तुरंत उस पर हमला कर दिया। वापस लड़ने के दौरान आर्ची बॉल्ड ने अनायास ही कांच के जार को जमीन पर गिरा दिया, अतः कल्पित बौने अधिक से अधिक भाग निकले और उन सब पर आक्रमण करने लगे। अधिक संख्या में होने के कारण आर्ची बॉल्ड ना तो लड़ सकता था और न ही विरोध कर सकता था। उस वक्त बहिरा को ही उसकी मदद करनी थी। आप वास्तव में कौन है? मैं वास्तव में एक काली योगिनी हूँ। तो मैं आपके शरीर से काले एल्फ को मछली की गंध जैसे क्यों नहीं महसूस कर सका? क्योंकि मैं अपनी शक्ति प्रतिदिन अभ्यास से बढ़ाती हूँ, न कि लोगों की जीवात्मा चूस कर। अन्य काले कल्पित बौने के जोरदार हमले से बहिरा जल्द से भाग गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को आगे के भरोसे छोड़ रहे हैं, तभी अचानक एक महिला प्रकट हुई। उसे देखते ही काले बौने डर के मारे भाग गए। मेरी रानी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप रानी हैं? आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? तुम दोनों क्या सोच रहे हो? हम केवल मानव और काली योगिनी के बीच के युद्ध को रोकना चाहते थे। उस समय तुमने मुझे जंगल में पाया था, मैं अन्य काले कल्पित बौनों को नुकसान पहुंचाने से तीव्रता से रोक रही थी। कृपया मुझ पर विश्वास करें, अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूं, तो आज मेरे पास ऐसा करने का बहुत मौका था। लेकिन काले कल्पित बौनों ने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया है। मैं वास्तव में इसके लिए माफी चाहती हूं। ठीक उसी क्षण आर्ची बॉल्ड ने महसूस किया कि रानी का हार बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। आपको ये हार कहाँ से मिला? शायद ये मेरे लिए आपको सच बताने का समय है। पता चला कि वो आर्ची बॉल्ड की माँ थी। अतीत में उसे एक सामान्य व्यक्ति से प्यार हो गया और उसने आर्ची बॉल्ड को जन्म दिया। लेकिन दोनों पक्षों ने उनके प्यार का जमकर विरोध किया।
इसीलिए उसे आर्की गोल्ड को उसके पति के पास छोड़कर गहरे जंगल में वापस जाना पड़ा। समय बीतता गया। आर्किबॉल्ड के पिता ने अपनी पत्नी के साथ प्यार के लिए उसे खोजने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे रास्ते में अन्य कल्पित गोलों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। सब कुछ जानने के बाद आर्किबॉल्ड ने काले कल्पित बौनों का शिकार करने का फैसला किया। इसके बजाय वह बहिरा के साथ मिलकर इंसानों और काले कल्पित बौनों के बीच होने वाले झगड़ों को रोकेगा।